लोग अगर एक लड़की नींद में चलने लगे और अपने बेस्ट फ्रेंड के पास चली जाए रात में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऐसी मूवी स्लीप वॉकिंग इन सबर्बिया। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हमारी मूवी शुरू होती हमारे लीड्स मिशेल और डैन के साथ। वो दोनों सो रहे होते हैं पर रात के बीच में मिशेल नींद में चलना शुरू कर देती है। वो अपने किचन से दूध की बॉटल लेती है और उसे तवे पे रख देती है। उसके बाद वो घर से निकलकर अपने पड़ोसी नैन्सी के घर चली जाती है। नैन्सी का हस्बैंड ल्यूक घर पे बैठा होता है जब उसे नैन्सी दिखाई देती है। ल्यूक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और नैन्सी को फॉलो करता है। मिशेल नींद में ही ल्यूक को टच करना स्टार्ट करती है। दोनों पैशनेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। दूसरी ओर डैन की नींद फायर अलार्म की वजह से खुल जाती है और वो देखता है कि पूरे घर में धुआं फैल गया है। वो फटाफट नीचे जाता है और देखता है कि जलते हुए तवे को सिंक में रखकर मिशेल को बुलाता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। डैन मिशेल को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका फोन घर में होता है। वो मिशेल को पुकारता रहता है और मिशेल लूक को छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। रास्ते में डैन को मिशेल मिलती है और वो उसे पकड़ लेता है। वो उसे उठाकर बताता है कि वो वापस स्लीप वॉक कर रही है। अगले दिन मिशेल और डैन एक स्लीप क्लिनिक में जाते हैं और उन्हें वहाँ पर डॉक्टर कार्टर मिलता है। वो डॉक्टर कार्टर को बताते हैं कि वो दोनों बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से बहुत स्ट्रेस है। मिशेल कहती है कि उसे स्लीप वॉकिंग के टाइम कुछ भी हुआ याद नहीं रहता। डॉक्टर कार्टर उसे कहता है कि वो हेल्थी स्लीप शेड्यूल अडॉप्ट करे और अगर फिर भी प्रॉब्लम ठीक ना हो तो एक दिन क्लिनिक में रुके। उस रात मिशेल और डैन अपने मैरिड दोस्त केट और टायलर और नैन्सी और ल्यूक से मिलते हैं। नैन्सी सबको बताती है कि ल्यूक काम पे है और इसलिए वो नहीं आ पाया। केट और मिशेल बात कर रहे होते हैं और केट उसे बताती है कि नैन्सी और ल्यूक के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ल्यूक कुछ देर बाद पार्टी में आ जाता है और मिशेल को देखने लग जाता है। वो उसे बाथरूम तक फॉलो करता है और उसे कहता है कि वो उसके बारे में बहुत सोचता है। मिशेल गुस्सा होकर डैन को लेकर उधर से चली जाती है। उस रात मिशेल वापस स्लीप वॉक करती है और इस बार वो जाती है केट और टायलर के घर। उसका दरवाजा खोलने से सिक्योरिटी अलार्म बजाता है जिससे डैन भी उठ जाता है। इस बार मिशेल केट और टायलर के बेड में जाके सो जाती है। वो केट को किस करने लग जाती है और केट की नींद खुल जाती है। वो डैन को फोन करती है ताकि वो मिशेल को वापस घर ले जाए। अगले दिन वो दोनों स्लीप क्लिनिक पे डॉक्टर थॉर्सन से मिलते हैं। डैन उन्हें मिशेल के रिसेंट इंसिडेंट्स के बारे में बताता है और डॉक्टर उन्हें कहता है कि मिशेल को एक बीमारी है। इसमें पेशेंट स्लीप वॉक करता है और दूसरे के घर में जाके नाइट स्पेंड करता है। डॉक्टर थॉर्सन उन्हें हिप्नोटाइज सजेस्ट करता है पर मिशेल नहीं मानती। डैन और मिशेल अपने काम पे चले जाते हैं और मिशेल को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉलर ल्यूक होता है और वो मिशेल को कहता है कि वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। मिशेल इस बात से फ्रेंड होकर केट से मिलने जाती है। मिशेल केट को फोन कॉल के बारे में बताती है। केट उसे बिलीव नहीं करती और उसे कहती है कि उसे डॉक्टर थॉर्सन की बात सुन लेनी चाहिए। केट उसे कहती है कि वो उनकी मेडिकेशन नहीं ले सकती क्योंकि वो और डैन के बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं। केट उसे प्रेगनेंसी टेस्ट लेने के लिए कहती है और मिशेल ये ट्राई करती है। मिशेल प्रेग्नेंट होती है और वो डैन को ही बताती है। डैन ये सुनकर बहुत खुश होता है पर मिशेल के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। अगले दिन डैन मिशेल को अपने ऑफिस लाता है अपना काम दिखाने के लिए। डैन को बीच में किसी की हेल्प करने जाना पड़ता है और वो ल्यूक को मिशेल को टूर देने के लिए कहता है। मिशेल ल्यूक से दूर हो जाती है और ल्यूक उसे सब सच कह देता है। मिशेल उसकी बात नहीं मानती और उसे धक्का मार कर साइड कर देती है। ल्यूक उसे कहता है कि वो उसे 10 साल से पसंद करता है पर उसने डैन की वजह से कुछ नहीं कहा। ल्यूक से बचने के बाद वो जाके केट से मिलती और रो पड़ती है। वो केट को सब बता देती है और कहती है कि उसे डैन को सब सच बता देना चाहिए। केट उसे ये करने से मना करती है क्योंकि फिर डैन प्रेगनेंसी के बारे में सोच के खुश नहीं रहेगा। दूसरी ओर डैन ऑफिस में सबको प्रेगनेंसी के बारे में बता देता है और ल्यूक मिशेल को जाके कंग्रेचुलेट करता है। डैन उस दिन फ्लावर्स के घर आता है पर उसे मिशेल रोती हुई मिलती है। डैन उसे कंफर्ट कर देता है और उनके फ्यूचर की बातें करने लग जाता है। दूसरी ओर ल्यूक नैन्सी को कहता है कि उसे डाइवोर्स चाहिए। नैन्सी इस बात से बहुत गुस्सा होती है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। उस रात मिशेल वापस स्लीप वॉक करती है और ल्यूक के घर जाके सो जाती है। तभी ल्यूक घर आ जाता है और मिशेल जल्दी से छुप जाती है। ल्यूक को लगता है कि उसके घर में कोई चोर है और वो बंदूक लेके घर को सर्च करता है। मिशेल चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल जाती है और डैन उसे ढूंढ लेता है। अगले दिन केट नैन्सी के घर जाती है।
ल्यूक उसे बताता है कि नैन्सी घर छोड़ के चली गई है और उसे नहीं पता कि वो किधर है। ये सुन के केट उधर से चली जाती है और उसे मिशेल उसके लिए वेट करती हुई मिलती है। केट मिशेल को सब बता देती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो नैन्सी को ढूंढ के वापस लाएंगे। वो दोनों पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। मिशेल उन्हें बताती है कि उसे ल्यूक के घर पे एक बंदूक और खून पड़ा हुआ मिला था। पुलिस उनकी रिपोर्ट रजिस्टर कर देते हैं। अगली रात मिशेल वापस लीवा करती है, तभी एक आदमी एक काली गाड़ी में आता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो मिशेल पे शूट करता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो उधर से भाग के ग्रोसरी स्टोर में छुप जाती है और कैशियर को कहती है कि वो दरवाजा लॉक कर दे। जब वो सेफ होती है वो डेन को कॉल करती है। डेन पुलिस को लेकर उधर आ जाता है। पुलिस ऑफिसर से बताते हैं कि उन्हें नैन्सी मिल गई है और वो ठीक है। डैन दुखी होता है कि मिशेल ने उसे नैन्सी के बारे में नहीं बताया। अगले दिन डैन ल्यूक से मिलता है और उसे मिशेल के रीसेंट इंसिडेंट्स के बारे में बताता है। डैन उसे पुलिस के बारे में भी बता देता है और उसे कहता है कि मिशेल बस प्रेगनेंसी की वजह से वियर्ड एक्ट कर रही है। ल्यूक गुस्सा होता है पर फिर भी रिएक्ट नहीं करता। कुछ देर बाद ल्यूक मिशेल से मिलने जाता है। ल्यूक उसे कहता है कि उसका बच्चा डैन का नहीं पर उसका है। मिशेल उधर से चली जाती है और उसकी बात नहीं सुनती। उस रात डैन मिशेल को हथकड़ी लगा देता है ताकि वो स्लीप वॉक करके कहीं न जा सके। पर अगले दिन मिशेल अपने आप को ल्यूक के घर पाती है। वो देखती है कि ल्यूक मर चुका है और वो उसकी डेड बॉडी के पास लेटी हुई थी। वो बहुत डर जाती है और जाके डैन को सब बता देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस उनके घर आके मिशेल को कस्टडी में ले लेती है। थोड़ी देर में डैन अपने लॉयर फ्रेंड टायलर के साथ आता है और कहता है कि डॉक्टर थॉर्स्टन उसके लिए टेस्टिफाई करेंगे। डैन उसे बताता है कि पुलिस को लग रहा है कि उसका और ल्यूक का अफेयर चल रहा था और इसलिए उसने ल्यूक को मारा है। मिशेल डर जाती है और टायलर उसे कहता है कि रिग्रेशन थेरेपी उसे बहुत हेल्प करेगी। डैन मिशेल की बेल करा देता है और वो घर चली जाती है। अगले दिन मिशेल को अपनी स्लीप वॉकिंग की कुछ कुछ यादें वापस मिल रही होती है। वो डैन को कहती है कि वो ल्यूक के घर जा रही है क्लूज ढूंढने के लिए। डैन उसे मना करता है पर वो उसकी नहीं सुनती। डैन उसको ट्रैक करना शुरू कर देता है और उसका पीछा करता है। दूसरी ओर पुलिस डिटेक्टिव को केस में एक लीड मिल जाती है और वो डिस्कवर करता है कि जो ब्लैक गाड़ी मिशेल के पीछे पड़ी थी वो नैन्सी की थी। डिटेक्टिव भी ल्यूक के घर चला जाता है। मिशेल ल्यूक के घर सर्च कर रही होती है जब उधर नैन्सी आ जाती है। उसे ल्यूक के बारे में बता रही होती है पर तभी नैन्सी उसे अटैक कर देती है। वो दोनों लड़ते हैं और मिशेल किसी तरह बच के निकल जाती है। तभी डैन उधर आ जाता है और नैन्सी को ल्यूक के डेथ के बारे में बताता है। नैन्सी पागल हो जाती है और मिशेल उसे एक बेसबॉल बैट से मारती है। मिशेल डैन को अपने और ल्यूक के बारे में बता देती है और डैन कहता है कि उसे सब पता था। डैन ने मिशेल पे ल्यूक का परफ्यूम सूंघ लिया था और वो ल्यूक को मार के सारा ब्लेम मिशेल पे डाल देना चाहता था। मिशेल उसकी बात नहीं मानती पर डैन उसे कहता है कि वो प्रेगनेंसी की वजह से इतना पागल हो गया है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि बच्चा उसका है या ल्यूक का। मिशेल डैन को झूठ बोल देती है कि उसने स्लीप वॉकिंग का बहाना बनाया था ताकि वो ल्यूक के साथ नाइट स्पेंड कर सके। डैन जब गुस्से में उसे मारने आता है तब वो उसका फायदा उठा के उसे स्टैब कर देती है। डैन मर जाता है और मिशेल पुलिस को सब बता देती है। वो सेल्फ डिफेंस का रीजन दे के बच जाती है। दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।